हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके बालों की हेयर ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है और वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, तो आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनके यूज़ से आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, बालों की समस्याएं हर किसी को फेस करनी होती है। फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हमारे बालों में पसीना आता है जिससे हमारे बालों की जड़ें डैमेज हो जाती हैं और हमारे बाल तेज़ी से गलने लग जाते हैं। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, ये नुस्खा बालों की रिपेयरिंग के साथ साथ बालों को एकदम सीधा और बालों को डैंड्रफ फ्री, बालों की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। नुस्खे को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा ओलिव ऑयल का। ओलिव ऑयल हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करेगा। आपको यहाँ पे 4 चम्मच ओलिव ऑयल के लेने होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप ओलिव ऑयल को ले लीजिएगा। ओलिव ऑयल को लेने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा एलोवेरा जेल। आपको फ्रेंड्स इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करने होंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिएगा और अब इन दोनों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स इसे मिक्स तब तक करना है जब तक इसे मिक्स करते करते ये क्रीमी रूप में ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये सीरम एक क्रीम के रूप में बनकर तैयार हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सीरम बनकर तैयार हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना होगा। बालों की जड़ों में आपको इसे लगाना कैसे है? बालों की जड़ों में आप इसे लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको जब भी बाल वॉश करने हैं उससे पहले आप इसे अपने बालों में लगाइएगा। लगाने का तरीका फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह से आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं उसी तरह से पूरे बालों में इसे लगाना होगा। और ध्यान रखिए ज़्यादा आप इसे अपने बालों में लगाइए क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे बालों को सिल्की साइड स्मूथ करने का कार्य करेगा। इस नुस्खे से आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी और आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स बालों का झड़ने का कारण बालों में उलझने का आना होता है। ये नुस्खा आपके बालों में उलझने आने से रोकेगा जिससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आप इसे अपने बालों में अच्छे से लगा चुके होंगे तो बालों को बांध लीजिए और आप इस पेस्ट को अपने बालों में लगभग आधे घंटे तक लगाकर रखिएगा। जब आधा घंटा हो जाएगा तो आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कीजिएगा ऐसा। और जब आप वॉश करके हटेंगे तो देखिए आपके बालों में कैसे चमक आ गई है और आपके बाल कैसे सिल्की साइड स्मूथ हो गए हैं। और दूसरा, आप एक बार और नोटिस कीजिएगा कि जब आपने कंघी की है तो आपके एक भी बाल नहीं निकला। फ्रेंड्स इस नुस्खे का यूज़ वीक में एक बार कीजिए और लगातार 1 मंथ तक। ऐसा करने से आपके बालों की सभी समस्याएँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आपके बाल तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।